मिर्जापुर में बारात लौटने के बाद दूल्हे के चाचा को बोलेरो चालक ने सिर्फ एक राजनीतिक बहस के बाद मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया, जिसके बाद इलाके में जमकर बवाल हुआ। नाराज ग्रामीणों ने हाईवे मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग को शव रखकर जाम कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने डीएम एसपी के बुलाने के साथ ही आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी परमानंद कुशवाहा ने ग्रामीणों और परिजनों को घंटों समझाने का प्रयास किया, कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, लेकिन परिजन नहीं माने। अंत में एडीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया और जाम खोल दिया। हम इस गाड़ी से हम लोग 5 आदमी, आप साथ में थे? हाँ, हम साथ में थे। उसके बाद हम 100 मीटर की दूरी पर हमारा घर है, हम वहाँ उतर गए और यहाँ पता चला कि गाड़ी वाले से वो योगी और मोदी को लेकर के विवाद हुआ, रास्ते में हुआ था। हाँ, बस इतने में और विवाद हुआ जब, तब ये गाड़ी रोका और कहा हटो यहाँ से, उतरो। अब ये उतर गए और इन्हीं के भाई गाड़ी किए थे बारात में ले जाने के, तो ये आगे आए और कहे कि जो है जाने नहीं देंगे, तब तो घुमा के गाड़ी चढ़ा दिया। बताया जा रहा है कोलाही गांव के रहने वाले मृतक राजेश धर दुबे, जिनकी उम्र 50 साल थी, अपने भाई राकेश धर दुबे के लड़के की शादी में मिर्जापुर गए हुए थे। शादी से सुबह वापस लौट रहे थे। बुलेरो गाड़ी में 5 लोग बैठे थे, कुछ बाराती रास्ते में उतर गए। इस दौरान वर्ग विशेष के ड्राइवर और मृतक राजेश धर दुबे में मोदी योगी के नाम पर गाड़ी में राजनीतिक बहस होने लगी, जिससे नाराज वर्ग विशेष के ड्राइवर ने राजेश धर दुबे को नीचे उतार दिया। इसके बाद राजेश धर दुबे से कहा नहीं जाने देंगे, फिर ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ाकर कुछ दूरी तक घसीटते हुए मौके से फरार हो गया और राजेश धर दुबे की मौके पर ही मौत हो गई। ये राजेश धर दुबे थे, इनके बड़े भाई के लड़के राकेश धर दुबे की शादी थी मिर्जापुर में। बारात वहाँ से लौट रही थी और सारी बारात आ गई थी। ये लास्ट में एक गाड़ी विजयपुर की, कोई मुस्लिम ड्राइवर था वो आया, तो इन लोगों की राजनीतिक चर्चा गाड़ी में हुई। मोदी योगी को लेके गाली गप्पड़ वो मुसलमान दे रहा था, जब गाली वो दे रहा था उसी को लेके कहा सुनी हुई और ये गाड़ी से उतर गए। उतरने के बाद वो इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया और घसीटते हुए लगभग 20 मीटर ला के इनके ऊपर चढ़ा के उनकी हत्या कर दी। तो ये पूर्णतया हत्या की साजिश दिख रही है कि हत्या उसने जानबूझ के किया है। घटना की सूचना के बाद अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ला, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीकांत प्रजापति मौके पर पहुंचे, परिजनों को समझा बुझाकर तहरीर लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर परिजनों ने सड़क पर लगाए जाम को खोला। इस दौरान घंटों जाम था, लंबी लंबी लाइनों में दोनों तरफ से हाईवे पर गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। ये माहौखर गांव है विंध्याचल थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जिसके सामने एक व्यक्ति जिनका नाम राजेश धर दुबे था, जो बोलेरो से उतरे थे और उसी बोलेरो का चालक ने उनका दुर्घटना कर जानबूझकर उसकी हत्या की गई है, जिस पर इनके परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम जो वैधानिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है।